देश इस वक्त कोरोना काल से गुजर रहा है। ऐसे में सरकार हर कोशिश कर रही है कि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन जहां कोरोना के चलते लोग आतंक में जी रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी सिरफिरे हैं जो फेक वीडियोस के जरिए अफवाह फैलाकर देश की जनता को पैनिक या फिर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये सिरफिरे इस वक्त फेक वीडियोस वायरल करने में लगे हुए हैं और उन वीडियोस को इस तरह पोस्ट कर रहे हैं जैसे कि वीडियो ही सच हो। ऐसे ही कुछ वीडियो हमारे सामने भी आए हैं, तो हमारी टीम तुरंत उसकी जांच पड़ताल में जुट गई और सच तक पहुंच गई। रिसर्च में पता चला कि इनमें कुछ पुराने और नए वीडियो है, जिनकी वजह से ना सिर्फ आम जनता में भ्रम की स्थिति बनी बल्कि सरकार भी परेशान हुई, जिसके बाद सरकार को कुछ सख्त निर्देश देने पड़े। क्या है वो सख्त निर्देश बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बता दें कि आपको टीवी स्क्रीन पर कुछ फेक वीडियोस दिखाई दे रहे हैं। ये वही वीडियो है जिनकी वजह से लोग गुमराह हो चुके हैं, लेकिन आज हम आपको उन वीडियोस का सच दिखाएंगे। अब इसी वीडियो को देख लीजिए। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सभी प्रकार के सरकारी और सार्वजनिक यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें यात्री ट्रेनें भी शामिल है। सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों को सामान या फिर यूं कहें कि दैनिक उपभोग में आने वाली वस्तुओं की ढुलाई की जा रही है। लेकिन ऐसे में एक सिरफिरे ने एक मालगाड़ी का ऐसा पुराना वीडियो वायरल करने की कोशिश की जिसका मौजूदा समय की सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, जिसमें उसने दिखाया कि एक ट्रेन 30 से 40 सामान से भरे ट्रकों को ले जा रही है। लेकिन इस वीडियो में ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। यह वीडियो बहुत पुराना है और अक्सर कुछ सिरफिरे ऐसे वीडियो का इस्तेमाल लोगों को भ्रमित करने के लिए करते हैं, इसीलिए विस्टार ऐसे सभी वीडियो का खंडन करता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जो भी व्यक्ति ऐसी अफवाह फैलाता हुआ पाया गया तो उस पर सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। देश पर इस वक्त जो संकट मंडरा रहा है, ऐसे में देश में हर धर्म हर विचारधारा के व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि यह उसका नैतिक दायित्व है कि वह जनहित और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए परिपक्वता का उदाहरण पेश करें, ना कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाकर संकट या फिर आतंक में इजाफा करने की कोशिश करें, बल्कि एकजुटता दिखाकर एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। इसलिए ऐसे संकट के समय में एवी स्टार न्यूज अपील करता है कि देश हित जनहित में अपने दायित्वों का निर्वहन करें और उन कर्मवीरों को सहयोग करें जो दिन रात फ्रंट फोर्स के रूप में अपने जीवन को आपके लिए समर्पित कर चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस और मीडिया कर्मियों की। ब्यूरो रिपोर्ट, एवी स्टार न्यूज।